भारत विश्व की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। जब 2014 में हम आए थे तब हम 11 नंबर पर थे, 5 पर पहुंचे। भारत की इकोनॉमी अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है। आपने सुना ही होगा कि मोदी सरकार चाहती है कि हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। और इस वक्त हम दुनिया के 7 ऐसे देशों में से हैं जिनकी जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। इसमें सबसे ऊपर आता है अमेरिका जिसकी जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर है। फिर आता है चीन जिसकी जीडीपी अभी हो गई है 17.5 ट्रिलियन डॉलर। फिर आता है जापान, जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा कम। फिर जर्मनी 4.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी। फिर आता है भारत जिसकी जीडीपी अभी है 3.2 ट्रिलियन डॉलर। और हमारे नीचे हैं यूरोप के 2 बड़ी शक्तियां, आर्थिक शक्तियां, यूके जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर और फिर फ्रांस जिसकी जीडीपी है 3 ट्रिलियन डॉलर। अब हम सभी जानते हैं कि सिर्फ जीडीपी देखने से इकोनॉमी का असली हाल का पता नहीं चलता है। अगर आपको लोगों की असली आर्थिक स्थिति का पता करना हो तो ये देखना होगा कि किसी देश में प्रति व्यक्ति यानी औसतन आय कितनी है। अब इसमें पूरा खेल बदल जाता है। जहां अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $70,000 है और यूके में $46,500 है, वहीं चीन में प्रति व्यक्ति आय गिरकर आ जाता है $12,500 पर और भारत में सिर्फ $2,250। हाँ, लेकिन डॉलर में भी अगर हम चीजें नापे तो असलियत का पता नहीं चलता है, क्योंकि अगर दो देशों के बीच सही तुलना करनी हो तो हमें दोनों देशों की मुद्राओं यानी करेंसी के परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति की तुलना करनी होगी। जैसे आप अगर इस वक्त किसी बैंक में जाके $1 खरीदना चाहते हैं तो आपको लगभग ₹82 देने पड़ेंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन वही 82 के आसपास। लेकिन ₹82 खर्च करके जो आप भारत में खरीद सकते हैं, क्या $1 में उतना ही सामान आप अमेरिका में जाके खरीद पाएंगे? जी नहीं। रुपए और डॉलर के अपने अपने देश में खरीदने की शक्ति अलग अलग है। इस वक्त जो चीज आप भारत में ₹22 में खरीद सकते हैं, वही चीज आपको अमेरिका में खरीदना हो तो पूरा $1 देना पड़ेगा। इसका मतलब है ₹22 की परचेजिंग पावर $1 जितनी है। इसको कहा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति समता। रोज की भाषा में अंग्रेजी में हम इसे PPP कहते हैं। PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। अब अगर हम इन्हीं देशों का प्रति व्यक्ति जो आय है इसको पीपी में बदल कर देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। 2021 में पीपीपी डॉलर में अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय थी लगभग $84,000। नंबर 2 पर जर्मनी लगभग $62,000 और उसके बाद फ्रांस जहां प्रति व्यक्ति आय था लगभग $57,500 सारे पीपीपी डॉलर है ये। फिर यूके आता है $51,500। चीन काफी नीचे $27,000 से थोड़ा सा ज्यादा। और फिर आता है भारत, उसके आधे से भी कम, सिर्फ $11,000 के आसपास। लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि एक बार हम पीपीपी यानी क्रय शक्ति की तुलना करें तो अमेरिका और भारत के बीच जो गैप है वो काफी कम हो जाता है। गैप है लेकिन कम है। नॉर्मल डॉलर में तुलना करें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति भारत आय प्रति व्यक्ति भारत की आय की तुलना में 31 गुना है। वही अगर हम पीपीपी डॉलर से तुलना करें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय हमारे तुलना में सिर्फ 7.5 गुना है। लेकिन इस तस्वीर में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत सच छुपा हुआ है। अगर हम अमेरिका के सबसे अमीर 10% लोगों को ले, मतलब लगभग 3,30,00,000 लोग, तो 2021 में उनका औसत आय था लगभग $3,76,000। इनकी तुलना अगर हम भारत के सबसे अमीर 0.5% लोगों के साथ करें यानी लगभग 70,00,000 लोग, तो उनका औसत आय उतना ही था लगभग $3,67,000। मतलब हमारे देश में 70,00,000 ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के टॉप 10% लोगों के जितना अमीर हैं। वही अगर हम जर्मनी और यूके की आबादी को कुल जोड़ दे तो उनके आबादी के कुल 60,00,000 ऐसे लोग होंगे जो अमेरिका के टॉप 10% जितने अमीर हैं, यानी भारत से कम।
फिर से याद दिला दूं कि मैं पीपीपी डॉलर की बात कर रहा हूं। यहां अपने अपने देश में अपनी अपनी करेंसी से कितना खरीदा जा सकता है। अब अमीरों की बात तो हमने कर ली है, रुख मोड़ते हैं सबसे गरीब लोगों की तरफ। फिर से पीपीपी डॉलर से ही तुलना करेंगे। मैं भारत के गरीबों की दुनिया के सबसे गरीब 5 देशों में से 2 देशों के साथ तुलना करूंगा। ये है बुरुंडी, जो कि दुनिया की सबसे गरीब देश है, और अगला जो तुलना करूंगा वह है मैडागास्कर, जो कि दुनिया की चौथी सबसे गरीब देशों में माना जाता है। 2021 में बुरुंडी में प्रति व्यक्ति आय है सिर्फ 1750 पीपीपी डॉलर, और मैडागास्कर का प्रति व्यक्ति आय था लगभग 3065 पीपीपी डॉलर। अब हमारे देश में कितने लोगों का औसत आय इसके आसपास आता है? 2021 में भारत के सबसे गरीब 42% लोग, यानी 58 करोड़ लोगों की औसत आय सिर्फ 1720 पीपीपी डॉलर, यानी बुरुंडी के औसत आय से कम। मतलब दुनिया के सबसे गरीब देश की तुलना में हमारे देश के 42% लोग ज्यादा गरीब हैं। अब मैडागास्कर से तुलना करते हैं। फिर से याद दिलाता हूं, 2021 में मैडागास्कर के में प्रति व्यक्ति आय लगभग $3,000 से थोड़ा ज्यादा था। उसी साल भारत का 52% यानी 73 करोड़ लोगों की औसत आय मैडागास्कर के लोगों के औसत आय से कम थी। यानी 73 करोड़ भारतीय दुनिया के चौथे सबसे गरीब देशों के लोगों से गरीब थे। ये एक शर्मनाक आंकड़ा है। टॉप के 70 लाख लोग अमेरिका, यूके और जर्मनी के सबसे अमीर लोगों जितने अमीर, और नीचे के 70 करोड़ से भी ज्यादा लोग दुनिया के सबसे गरीब देशों के लोगों से भी गरीब। ये है भारत में अमीर और गरीब के फासले का सच। ये भारत की इकोनॉमी की असली पहचान। $3 trillion की GDP हो या $5 trillion, अमीर और भी अमीर होंगे और गरीब और भी गरीब होंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर हमें बताइएगा। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।